उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की चाची का शव पुलिस उसके गांव लेकर पहुंची। इसके बाद शव को शुक्लागंज गंगा घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता की चाची के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए चाचा को 12 घंटे की पैरोल दे दी है। अंतिम संस्कार के बाद चाचा को फिर से रायबरेली जेल भेज दिया जाएगा। कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ के गायब होने के 36 घंटे बाद उनका शव मंगलुरु के हौजी बाजार के पास नेत्रावती नदी के किनारे से बरामद हुआ है। मंगलुरु पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल का मामले में कहना है कि हमें शव आज सुबह मिला है, जिसकी पहचान करने की जरूरत है। हमने परिजनों को भी इसकी खबर दे दी है और शव को वेनलॉक अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि इस मामले में पूरी जाँच की जा सके। अमृतसर में एटीएम के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक पिस्तौल, 32 बोर, 2 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और लूट के 2500 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक अपराधियों से और भी घटनाओं की जानकारी मिलने की आशंका है। अमृतसर के चेहरटा में अज्ञात चोरों ने देर रात 3 दुकानों में हाथ साफ कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि पीछे की दीवार तोड़कर एक दुकान में चोरी की, फिर अंदर ही अंदर दीवार को तोड़कर एक के बाद एक लगातार 3 दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदारों की माने तो तीनों दुकानों से तकरीबन 1.5 लाख रुपए से ऊपर की चोरी हुई है। झांसी में कृषि विभाग द्वारा खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य शिवेंद्र प्रताप ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के साथ ही किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। मेले में किसानों को फसलों के बारे में विभिन्न जानकारियां दी गई। इस दौरान सैकड़ों किसानों समेत कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। झांसी के मोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर एक ढाबे के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। बेगूसराय में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल प्रबंधक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। छात्रों ने अपने आप को हॉस्टल के अंदर कैद कर लिया है और मुंह को कपड़े से ढक कर प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल की सूचना पर सदर SDO DSP मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी छात्र किसी भी अधिकारी की बात मानने को तैयार नहीं है। फतेहपुर के गुबरौट गांव में किसानों ने सैकड़ों की तादाद में आवारा गायों को पकड़कर तहसील कार्यालय में पहुंचा दिया। वहीं किसानों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि गौशाला के नाम पर लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी एक भी गौशाला ऐसी नहीं है जिसमें आवारा गायों को पहुंचाया जा सके। साथ ही खेती को खराब होने से बचाने के लिए किसानों ने लाखों रुपए की फेंसिंग भी करवाई है। वाराणसी में हृदयपुर रिंग रोड के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले दिनों अपराधियों ने एक युवक की हत्या की थी। पुलिस ने अधिकारियों के पास से एक पिस्टल, 32 बोर, 2 कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं।